हेलो एवरीवन, जो आपका लैब वाला जो पेपर आएगा और उसमें हरियाणा वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो बोर्ड मार्क्स का होता है ना रीजनिंग का होता है, ये क्वेश्चन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का होता है। बस 2 मिनट में आप समझ जाओगे और आपका नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा गलत ही करके आते हो और हर हरियाणा के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और आपके भी आ जाए और आप गलती कर दो ये तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का क्या होता है। जैसे ऊपर देखिए मैंने लिख रखा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे fx कोई फंक्शन दे रखा है और जो फंक्शन बाद में निकल के आएगा वो हमेशा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का लेस होगा या फिर इक्वल होगा। कहने का बात यहाँ देखिए, अगर मैं प्लस वाले और माइनस वाले दो आपके फंक्शन लेता हूँ, क्योंकि आपकी जो संख्याएं होंगी वो प्लस में हो सकती हैं या माइनस में हो सकती हैं, ठीक है। अगर वो संख्या आपकी प्लस में है तो बात करते हैं, सबसे पहले 2.3 दे रखा आपका, क्वेश्चन की भी बात करेंगे पहले समझ लो, ठीक है ना। ये दे रखा है 2.3, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का निशान होता है आपकी बड़े वाली ब्रैकेट और लेस जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे उसकी बात होती है छोटे वाली ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो 2.3 पूछा उसने तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सीधा सा हम क्या कर देंगे, वो छोटे वाली वैल्यू ले लेंगे जो पॉइंट से पहले की है, वो है आपकी 2, क्योंकि ये फंक्शन 2 पे लाई करेगा। उसके बाद आगे जाके आपका क्या निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा, ये 2.3 दे रखा है या फिर 4, 5 कुछ भी दे दे, जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 2.9 दे रखा है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। जैसे 0.123 दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 5.8 दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं माइनस वाले में बात कर दूं, आप सीधी सी बात है माइनस वाले में छोटा क्या होगा, आप ये बताइए, माइनस 2. क्या ले लिया मैंने, 4 ले लिया, तो क्या होगा इससे छोटा क्या होगा, 3 होगा। तो 3 से ये फंक्शन पीछे की ओर आता गया है। जैसे माइनस वाले में जैसे लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे प्लस वाले में बात कर रहे थे तो 2.3 लिया था मैंने, तो वहाँ पे 2 वैल्यू आ गई थी, यानी प्लस वाले में छोटा लेंगे तो छोटा 2 ही होगा। अब माइनस वाले में हमेशा जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उसके बाद माइनस लगती जाएगी वो छोटा होता चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 ले लिया। यहाँ पे 1. आपका जैसे -1.7 दे दिया तो इसका क्या जाएगा, 2 पे, ये 2 पे लाइक करेगा। जैसे माइनस आपका 0.9 दे दिया तो ये 1 पे लाइक करेगा। ऐसे ही मैं लेस की बात कर दूँ, लेस में बस अंतर इतना सा है आपका कि लेस में हम ज़्यादा वैल्यू लेते हैं। आप ये बताइए, सेम मैंने यहाँ पे लिखा था, प्लस वाले में ले लिया मैंने 2.3 ले लिया तो ये किस पे लाई करेगा, 3 पे करेगा। अगर माइनस वाले फंक्शन में बोल देता तो ये किस पे लाई करता, 0 पे करता, और ये -2.3 पे करता तो ये -2 पे हो जाता। अब इससे बस कुछ समझने लायक ये क्वेश्चन बस इतना सा है, जैसे ये क्वेश्चन आ था, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा अगर आपका ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप रीजनिंग लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ब्रैकेट दे रखी है तो सीधे से आपके दिमाग में आएगा कि बोर्ड मार्क्स लगा दे, भाग के आप बोर्ड मार्क्स लगा देते हो जिससे आंसर आपका गलत हो जाता है। मैंने बताया कि बड़े वाली ब्रैकेट हमेशा क्या डिनोट करेगी, आपकी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, और छोटे वाली ब्रैकेट आपकी लिस्ट करेगी, ठीक है। ये पूछ लेगा, ये दे देगा आपका 2 से ही 1/2 -5 -1/4 +2 से ही 1/3 * में क्या दे दिया आपका भाई, 1.5 दे दिया, आगे लिख देगा फाइंड वैल्यू। तो इस फंक्शन की कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने बताया था कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कैसे निकालते हैं। आप ये बताइए, ग्रेटर निकालना है तो सीधी सी बात है लेस लूँगा मैं, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 में से इसको 4 को माइनस करूँगा तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ 5 से कम ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं, -4 ले लिया। अब यहाँ पे बात करती है लिस्ट की, क्योंकि छोटे वाली ब्रैकेट है तो सीधी सी बात है आप आंसर क्या लेके आओगे, 2 लेके आओगे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना था। तो 3 आ गया, यहाँ पे फिर से ग्रेटर दे रखा है तो 1 ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये से माइनस करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन किया, ये 3 हो गया प्लस का 3, और ये 5 प्लस, दोनों जोड़े तो 5 प्लस का हो गया, 4 माइनस कर दिया तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, जिससे हर बार हरियाणा के किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है और हमेशा गलत करके आ रहे हो। बाद में आप पूछते भी हो, टीचरों से पूछते कि सर इसका आंसर क्या होगा, और टीचर भी हमेशा क्या बताते हैं, सर कि ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये गलत नहीं आ गया, ये ग्रेटर और लिस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन होता है, जो कि हमेशा टीचर भी ये बोल देता है कि ये क्वेश्चन ही गलत आ गया, ठीक है। क्योंकि बोर्ड मार्क्स से आप सोल्व करके देखना एक बार, कितना मतलब ये आंसर ही बहुत ज़्यादा आएगा इसका,
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं, और आपका नंबर पक्का हो चुका है। धन्यवाद।